तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं अपने खेतों में घूमने के लिए आ चुका हूं और इवनिंग का टाइम है। आप देख सकते हो पीछे सूरज जस्ट ढलने वाला है। मैं गया था एक्चुअली मैं मोटो ब्लॉग शूट करने के लिए, वहां से सीधे चला आया। बाइक मैंने वहां पे पार्क कर दी है क्योंकि रोड वहीं तक है यार, उसके आगे फिर जाना है। तो ऐसे पगडंडी बना हुआ है, ऐसे इसमें चल के ऐसे जाना पड़ेगा। तो बाइक मैंने इसलिए वहीं पर खड़ी कर दिया और आप देख सकते हो ये खेत खराब हो चुके हैं, धान खराब ही हो गया है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा भर गया था और धान की फसल खराब हो गई। धान की कटाई हमारे यहाँ चल रही है, सब लोग धान अपने कटाई कर रहे हैं खेतों में, जैसे कि वो कर रही हैं और कुछ किसान वहाँ पे कटाई कर रहे हैं। और पूरे इलाके में ना भाई धान की बुआई हुई थी, तो मोस्टली सब लोगों ने कटाई कर ली है अपनी। और ये खेत में खड्डा हो गया, पता कैसे? इन खेतों में खड्डा इस वजह से हो गया है कि वो जो ईंट के भट्ठे दिख रहे हैं उनके लिए मिट्टी इन्होंने बेच दी, क्योंकि किसानों को कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग मिट्टी, भाई अब खेत बेचेंगे तो दोबारा मिलेगा नहीं, तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन होता है खेत की मिट्टी को बेच देना। तो खेत की मिट्टी बेच देंगे, उनको पैसा भी मिल जाएगा और खेत भी उनके पास रहेगा। तो ये बहुत ही सही तरीका होता है, उनको पैसे भी मिल जाते हैं और मिट्टी भी नई हो जाती है। मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि पानी वानी लगाने में, जुताई कराने में, गेहूँ की फसल में ज़्यादा दिक्कत होती है। धान की फसल में ठीक रहता है क्योंकि पानी काफ़ी टाइम तक रुका रहता है खेतों में, तो ये सही रहता है। तो आप हमारे खेतों का नज़ारा देख सकते हैं भाई, किस तरीके का लग रहा है। चलो दिखाता हूँ, इवनिंग होने वाली है ना, सनसेट का टाइम जो रहता है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है भाई। गांव में जो लोग शहर से हैं वो इस नज़ारे के लिए भाई तरसते हैं। कोई अगर मरीन ड्राइव में रह रहा है मुंबई मुंबई में तो ठीक है भाई, वो तो समुंदर के किनारे ऐसा सूरज ढलता देखता है। मगर किसान लोग जो हैं, जो गाँव में रहते हैं, ये नज़ारा उन्हीं को देखने को मिलता है, जो कि सूरज ढल रहा है और ये खूबसूरत नज़ारा होता है भाई, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। कटाई चारों तरफ चल रही है, हमारे खेतों की भी कटाई हो चुकी है। अब जैसे ये धान कट चुका है ना, पूरा धान की फसल कटाई कर चुके हैं, अब इसको बंधाई करेंगे। बंधाई करने के बाद उसको फिर सटकते हैं या फिर थ्रेसरिंग करवाएंगे, थ्रेसर के द्वारा उसका धान निकाल लेंगे। फिर पुआल को कटवाई करेंगे ताकि मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए खाने के लिए चारा हो जाए। तो यही सब चीज़ें हैं। ज़्यादातर हम लोग के इलाके में धान की खेती होती है, गेहूँ की खेती होती है और कुछ लोग अरहर की फसल लगाते हैं, बहुत ही कम। आप देख सकते हो छोटा सा खेत में अरहर का फसल लगा हुआ है और ज़्यादा किसी ने नहीं लगाया है। बाजरे की खेती भी कुछ लोग करते हैं मगर ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटी सी मात्रा में बाजरे की खेती। और गन्ने की खेती पहले काफ़ी होती थी मगर इस टाइम पे तो मुझे लग रहा है कोई नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें पैसे नहीं बचते हैं, मेहनत ज़्यादा ही पड़ जाती है। तो आजकल सब मेहनत कम करना चाहते हैं, पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से तो मैं खेतों में आया था भाई घूमने के लिए। हमारा खेत वो सामने है वहाँ तक, तो धान वहाँ पे कटाई हो चुकी है और उसकी बंधाई होगी। बंधाई करने के बाद एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, फिर थ्रेसर आएगा, थ्रेसर धान को बाहर निकाल लेगा, फिर पुआल जो बचेगा उसका हम लोग चारा बनवाएंगे मवेशियों के खाने के लिए। तो ये प्रोसेस हमारे खेत का होने वाला है। सब लोग का अलग अलग रहता है, कुछ लोग हार्वेस्टर एक मशीन आती है उसके द्वारा फसल कटवाई करवा देते हैं और उससे धान मिल जाता है, मगर जो पुआल होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, खेतों में जलाना पड़ता है जिससे कि वातावरण भी दूषित होता है। तो ये समस्या है उसके साथ, और जानवरों के लिए चारा भी नहीं बच पाता, तो काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप लोग सनसेट का टाइम देख सकते हो, खंभे लगे हुए हैं लाइट के भाई, बड़े वाले भी लगे हुए हैं और ये छोटे वाले भी लगे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ बोरिंग रहती है और वहाँ वहाँ पर लाइट ले जाता है इसके द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। कई जगह आप देख सकते हो लाइट के खंभे खेतों में लगे हुए हैं। तो भाई यार काफ़ी मस्त रहता है भाई, खेती करने का मज़ा ही अलग है। और खेतों में आना, एकदम शांति में एकदम इंजॉय करना, टाइम को स्पेंड करना, वो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग खेती करते हैं या नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो खेत आप लोग को कैसे लगते हैं। जिनके पास खेत नहीं होते यार, उनको थोड़ा सा लगता है कि हमारे पास खेत होता तो हम वो खेती करते, और ज़्यादातर किसान तो भाई शहर में जा रहे हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं रहने के लिए। तो यही है, जो भी है, खेतों का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। यूपी प्रयागराज से हूँ मैं और प्रयागराज में कुछ इस तरीके की खेती होती है भाई, मज़ा आ जाता है। वैसे हमारे यहाँ खेती करने के लिए उतनी पर्याप्त भूमि नहीं है, जितना भी है किसानों के पास कमी बची है, क्योंकि अब ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहने लगे हैं तो कम हो गया है। और कहीं कहीं इलाके में बहुत दूर दूर तक आपको खेती दिखेंगे, यहाँ पर कुछ बस्तियाँ भी आपको बीच बीच में दिख जाएंगी। तो इसलिए जनसंख्या बढ़ने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है, घर बनते जा रहे हैं, तो किसानी खेती करने के लिए जगह कम सी हो गई है। बगीचा देखिए था यहाँ पे, बगीचा भी टूट टूट के कम हो गया, नहीं बहुत घना बगीचा था। तो यही रहा भाई हमारा ब्लॉग,
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नेचुरल चीज़ें मैं पोस्ट करते रहता हूँ और ब्लॉग अलग अलग तरीके के भी पोस्ट करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी खास बात, माघ मेला आने वाला है तो उसका पूरा आप लोग को मैं अपडेट देता रहूँगा इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।